नमस्ते, आज से हम नई पत्रिका शुरू करने जा रहे हैं, बालदूत। ये हमारा दफ्तर है। हम बालदूत के संपादन मंडल के कुछ सदस्य हैं। मैं हूँ प्रमुख संपादक सोमनाथ। ए, प्रमुख संपादक तो मैं हूँ ना। तुम सह संपादिका, और वो रहा उप संपादक नदीम। और भी बहुत सदस्य हैं। पता नहीं कहाँ गए। इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ थे तुम लोग? हाँ, ये ला रहे थे। ये है क्या? भारत का नक्शा है। पर किस लिए? अपने कार्यक्रम में लग सकता है। यहाँ क्या कम खबर को बढ़े जो और एक ये कबाड़ उठा लाए। ए, 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 भारत के नक्शे को कबाड़ कहते हो? देशद्रोही, गद्दार, ट्रेटर। ए, 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 गद्दार किसे कहते हो? मैं यहाँ का प्रमुख संपादक हूँ। अबे हाथ और मेरे बाहर फेंक दो। अरे बस, वाह वाह, संपादक मंडली का बर्ताव तो देखो। अरे भाई, लड़के हैं और क्या करेंगे। ए, नो सेक्सिस्ट पॉलिटिक्स हियर। हां हां, हम सब बराबर है, ये लड़का लड़की वाली बात नहीं चलेगी। अरे वाह, तो ढंग से पेश आओ ना। हां, करोड़ों लोग देख रहे हैं। हां, और सुन भी रहे हैं। हां तो दोस्तों, आज हमारी अपनी पत्रिका शुरू हो रही है। हां तो करें बिस्मिल्लाह। हां हां, हो जाए। गणपति पप्पा बोया। शुभास्ते पंथा नहा संतु। हां, संस्कृत है। लेकिन क्यों आ गए आप लोग? आपको बुलाया किसने? बुलाना क्या है? आ चुके। हम संपादक मंडली में हैं, हम दोनों। अरे वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। देखो, ये संपादन करना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बच्चों का खेल नहीं। अरे वाह, प्रोग्राम तो बच्चों का है ना? हाँ, बच्चों की पत्रिका है। और तुम सभी तो बच्चे हो। हाँ, लेकिन हम बड़े बच्चे हैं। टिल्लू बिल्लू नहीं। चलो, टाइम वेस्ट मत करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छोटे दबके नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अपना हक हम लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। टिल्लू बिल्लू जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस रुकावट के लिए खेद है। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। बच्चे भी जल्दी सीखते हैं ना, क्या करें, बड़ों को देखते रहते हैं ना। चलो चलो, शुरू करो ना। हाँ, हाँ, अपनी पत्रिका के बारे में कुछ बताओ ना। हाँ हाँ, बालदूत के बारे में। ओके, तो देखो, हमारी पत्रिका का नाम बालदूत क्यों? वाय, क्यों मालूम? देखो, एम्बेसडर माने राजदूत। हाँ, तो बच्चों का दूत बालदूत। इट्स अ टेली जर्नल। You'll find all the stuff you find in a good magazine. Rang biranga chatpata, thoda sa atpata, thoda gyan, thoda ranjan, thoda sa aankhon mein anjan. Bharat ki rag rag pehchane, har prant ki khoobi jaane. Tarah tarah ke phool khile hai, dekho rang hazaar. Kabhi kabhi hum sair karenge saath samundar paar. Ye commercial break khatam ho gaya ho, to aage chale. Baatein kam ho aur kaam zyada. To chalo, संगीत में शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ, चलो। एक गीत से। ये गाना खास हमारे लिए लिखा गया है। हमारी तरह ये गीत भी बहुभाषी है, लंबा भी है। आज हम कुछ ही भाषाएं सुन पाएंगे। मूल हिंदी गीत लिखा है अशोक चक्रधर ने। Thank you.
अब इस नक्शे को देखो टूटुल। नाउ वॉच दिस मैप केयरफुली, वेरी केयरफुली। हाँ हाँ पता है तुमने बनाया है, पर इसे कब तक ताकना है और क्यों ताकना है? हाँ। ये बड़ा हाई फाई नक्शा है, भारत के किसी भी कोने से कभी भी खबर आ सकती है कि वहाँ कोई मजेदार घटना घटी है जो हमारे मतलब की है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? क्यों इनका ये नक्शा बोलेगा? पेशेंस, हमें सिग्नल मिलेगा। हाँ, अ म्यूजिकल सिग्नल, नाउ लिसन केयरफुली। हे, कुछ भी तो नहीं। अब क्या करें? हे, सुनो, जब तक तुम्हारा सिग्नल नहीं आता तब तक मैं एक चुटकुला सुनाओ। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। हाँ, एक क्लास होती है, प्यारे बच्चों नमस्ते। नमस्ते मास्टर जी। बंटू तू डेस्क पे खड़ा होके क्या कर रहा था? मैं पहाड़े याद कर रहा था मास्टर जी। पहाड़े याद कर रहा था? 29 का पहाड़ आता है? आता है मास्टर जी। सुनाओ तो। 29 ये क्या बकवास है? तुमने कहा ना तुम्हें 29 का पहाड़ आता है? हाँ मास्टर जी। तो सुनाओ ठीक से। 29 बदमाश मक्कार झूठा कहेगा ये पहाड़ा आता है? सर जी अभी धुन आती है, बोल नहीं आते। स्टुपिड जोक यार, एकदम पीजे। ए डिल्लू मिल्लू चलो भागो। तुम्हें जाओ भी जाओ। हाँ? जाओ जाओ भी जाओ जाओ भागो। ए सुनो सुनो सिग्नल आ रहा है। हाँ लेकिन कहाँ से? कर्नाटक से, बंगलोर। ನಾನು ಬಾಲದೂತ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಹಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಾಳಿಪಟದ ಉತ್ಸವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 17 ವಿಕಲಾಂಗ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಜಾನ್ಕಿ ಯು ನೋ ಕನ್ನಡ ಯಾರ್ ಜರಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಕರೋನ. ಹಾಂ ಹಾಂ. हाल ही में यहाँ राजेंद्र सिंह जी इंस्टीट्यूट के मैदान में एक अनोखे पतंग उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें बेंगलोर के 17 अपंग स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया. हंसते खेलते तो कभी लड़ते झगड़ते भी, बच्चों ने खूब धूम मचाई, पतंगों की कन्या बंधी, उलझे मंजे को सुलझाया, पतंगों में पूछे चिपकाई और हुचकों से डोर छूटी, दोस्तों ने दुर्गाएं दी और ये पतंगे उड़ चली ऊपर आकाश में. किसी की पतंग कटी तो किसी ने पतंगे काटी. वहाँ बहुत से बच्चों से हमारी दोस्ती हुई और विपिन के साथ तो हमने डट कर बातें की. बातों बातों में जब बच्चों की विकलांगता की बात निकली तो इस बारे में विपिन ने दिल खोल कर अपने विचार हमारे साथ बांटे. वो किसी भी तरह से हताश या निराश नहीं था, उसकी बातों में आशा और उमंग की झलक थी. I feel bad when people say, oh, it's a disadvantage. Why should it be a disadvantage? A lot of software programs have come for people like us. If I am given a chance to make a program on my own, I would be very happy. गपशप मौज मस्ती हंसना गाना तो बहुत हो गया. हाँ, हाँ, पतंग बाजी भी हो गई. हाँ, बंगलोर में. अब थोड़ी ज्ञान विज्ञान की बातें भी तो हो जाए.
ज्ञान विज्ञान यानी पढ़ाई। ओहो यहाँ भी? हाँ मगर थोड़ा हटके अलग तरीके से। हमारे विज्ञान के शौकीन दोस्तों के कुछ सवाल है जो वैसे तो हम सबके ही है। हाँ काउंटलेस क्वेश्चंस यार, सो मेनी रिडल्स। तो इन पहेलियों को बुझेंगे अपने देश के जाने माने वैज्ञानिक। आज पता है हमारे खास मेहमान कौन है? कौन है? भारत के विश्वविख्यात खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर, जिनसे मिलने हमारे बालदूत पहुँचे सीधे आयू का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। हे लुक, अरे डॉक्टर नार्लिकर। हाँ ये तो वही है। रन। अरे देखो मैं वैसे ऑटोग्राफ नहीं देता। प्लीज सर। देखो मेरा नियम यह है कि तुम मुझे कोई सवाल पूछो साइंस बेस्ड, तब ऑटोग्राफ मिलेगा। सर हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा? आपसे मिलने आए। सर आपसे सवाल तो पूछेंगे, सबसे पहले मैं पूछूंगी। पूछो। सर वो डिजाइन क्या है? देखो गौर से इस डिजाइन में कहीं भी आरंभ करो ना आदि है ना अंत। अरे हाँ यार, हम लोग ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, लेकिन इन पहेलियों की न कहीं शुरुआत है न आखिर। जब एक सवाल हल करते हैं तो 10 नए प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं। क्यों? तो सर हम कोई और सवाल पूछे? आपकी मैं पूछूंगी। हाँ पूछो। सर हम ये कैसे जान सकते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है? हमें तो लगता है कि पृथ्वी स्थिर है और तारे हमारे चारों ओर घूमते हैं। और क्या पृथ्वी स्थिर है या सूरज की परिक्रमा करती है? देखो मैंने कहा था ना कि एक प्रश्न के बाद दूसरा उपस्थित हो जाता है। चलो पहले प्रश्न का जवाब पूछते हैं अंदर आर्यभट्ट से। ये रहा भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट। आज से 1500 साल पहले इसने कहा था कि अगर हम नाव से नदी में से जा रहे हो तो किनारे पड़ के पेड़ उल्टे जाते नजर आते हैं। सर रेलवे में यही महसूस होता है। बिल्कुल। तो आर्यभट्ट ने कहा कि पेड़ जैसे किनारे पर स्थिर हुआ करते हैं, उसी तरह तारे भी अंतरिक्ष में स्थिर होते हैं। घूमती है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन सर जब हम मेरी गो राउंड में गोल घूमते रहते हैं तो हम बाहर की तरफ फेंके जाते, पृथ्वी पर तो हम ऐसा महसूस नहीं करते। और चिड़िया जब उड़कर आसमान में जाती है तो वो वापस कैसे आ पाती है? यही सवाल आर्यभट्ट से लोगों ने किए। अब उनके जवाब ये हैं। पहला सवाल था पृथ्वी से बाहर फेंके जाने का। हाँ सर। पृथ्वी हम सबको अपनी ओर आकर्षित किए हुए है, इसी वजह से हम इसे जकड़े हुए हैं। यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था ना? आइज़ैक न्यूटन ने इसकी खोज की थी। बड़े होशियार हो जी, आगे चलकर न्यूटन जैसे साइंटिस्ट बनो। थैंक यू सर। वो रहे न्यूटन सामने। तो ये है न्यूटन, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, ये तो तुम जानते हो। हाँ सर। तो इसी गुण की बदौलत हम अपना वजन महसूस करते हैं, क्योंकि पृथ्वी हमें इतने बल से अपनी ओर खींचती है। बिल्कुल सही। और ये बल इतना तगड़ा है कि हमें पृथ्वी से बाहर फेंकने वाले बल से कई सौ गुना ज्यादा है। हाँ। इसीलिए हम पृथ्वी से बाहर नहीं फेंके जाते। और वो चिड़िया वाला प्रश्न? देखो जब तुम कभी शैतानी करके बस या ट्रेन से कचरा बाहर फेंकते हो तो वह तुम्हारी बस या ट्रेन के साथ आगे जाते हुए ही नीचे गिरता है। यानी ट्रेन छोड़ने पर भी उसमें ट्रेन की गति बनी रहती है? बिल्कुल, ये भी इन्हीं न्यूटन महोदय के बनाए गति के नियमों पर आधारित है। तो चिड़िया जब ऊपर उड़ती है तो उसमें पृथ्वी की गति भी बनी रहती है। चलो मान गया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है और हम उसे महसूस नहीं कर पाते, लेकिन इसका क्या सबूत है कि वो सचमुच ऐसा करती है? सबूत मांगना बतलाता है कि तुम भी वैज्ञानिक हो। बिना सबूत हम लोग कोई बात नहीं मानते। अब ये सबूत भी न्यूटन के ही नियमों से मिलता है, बड़ा अनोखा है, चलो देखें। लेकिन ये सबूत हम लोग आज नहीं देखेंगे, अगली कड़ी में देखेंगे इसका अगला भाग। वाह ये तो बढ़िया कार्यक्रम था। हाँ। अब इसके आगे? इसके आगे तुम ही बताओ। मैं? हाँ तुम सह संपादिका हो तो तुम्हारा भी तो कुछ योगदान होना चाहिए ना। हाँ। अच्छा तो सुनो, हमारी ये बालदूत पत्रिका एनसी द्वारा बनाई जा रही है। हमारी ये संस्था बच्चों और युवाओं के लिए फिल्में बनाती है, तो क्या बालदूत में हमारे खजाने में से हर बार एक छोटी सी झलक नहीं दिखानी चाहिए? हाँ एक्सेलेंट आइडिया। बट वी डोंट हैव मच टाइम। हाँ वक्त बहुत कम है। अरे वक्त की बात कर रहे हो तो मुझे उससे एक बड़ा ही मजेदार किस्सा याद आया।
अपनी एनसिप की एक फिल्म अभयम में से। वैसे तो अलार्म क्लॉक हम बच्चों की जानी दुश्मन है, तो हमारा हीरो अपने सपने में इस दुश्मन का कैसे मुकाबला करता है देखें। आ, 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 आ,